हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑयली और एक्ने प्रोन स्किन की केयर के बारे में इन फुल डिटेल। ये वीडियो देखने के बाद आपको और कोई वीडियो देखना नहीं पड़ेगा, आपके सारे डाउट्स क्लैरिफाई हो जाएंगे। सो द वीडियो इज गोइंग टू कवर योर रूटीन, द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंग्रेडिएंट्स, द डूज एंड डोंट्स, द प्रोडक्ट रिकमेंडेशंस, एवरीथिंग। नाउ प्रोडक्ट रिकमेंडेशंस मैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए दे रही हूँ बिकॉज आप में से कुछ लोग लेजी या बिजी हैं जो ज्यादा साइंस नहीं समझना चाहते और जो मुझे वीडियो के बाद में हमेशा कॉमेंट करते हैं कि हमें आप ब्रांड या प्रोडक्ट का नाम ही बता दो। सो द रिकमेंडेशंस आई हैव इंक्लूडेड ओनली फॉर दैट पर्पज। अदरवाइज प्लीज, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि आपने यही प्रोडक्ट्स यूज करने हैं। मेन आपको इन इंग्रेडिएंट्स की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि क्या चीजें आपके लिए आपको सूट करती हैं, क्या आपको सूट नहीं करती, जिसके बारे में मैं वीडियो में आपको बताऊंगी। अपार्ट फ्रॉम दैट, महंगा सस्ता प्रोडक्ट रियली डजंट मैटर, द ब्रांड और द प्रोडक्ट नेम रियली डज नॉट मैटर, एंड नन ऑफ द प्रोडक्ट्स मेंशन इन टुडेज वीडियो आर गोइंग टू बी स्पॉन्सर्ड। सो प्लीज बी रेस्ट अश्योर्ड कि जिनके बारे में मैं बात करने वाली हूँ ये या तो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं आपको बताऊंगी या तो फिर ऑन द बेसिस ऑफ द रिसर्च दैट आई हैव डन ऑन द इंग्रेडिएंट्स लिस्ट ऑफ दीज प्रोडक्ट्स। नाउ मैंने मेरी तरफ से पूरी स्टडी और कोशिश की है कि इस वीडियो के बाद आप लोगों को ज्यादा क्वेश्चंस ना हो, बट स्टिल अगर मुझसे कुछ मिस आउट हो जाता है और आपके कोई स्पेसिफिक डाउट है जो आप मुझसे क्लैरिफाई करना चाहते हो तो आप मुझे डीएम कर सकते हो या फिर वीडियो के नीचे मुझे कॉमेंट करके बता सकते हो। बट बिफोर दैट प्लीज वॉच दिस वीडियो फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड सो दैट यू डू नॉट मिस आउट ऑन एनीथिंग। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स डाइव राइट इन टू इट। स्टेप नंबर वन इज टू क्लेंज योर फेस। नाउ नीडलेस टू से कि फेस क्लेंजिंग दिन में आपको सिर्फ दो बार करनी है, ना एक बार कम ना एक बार ज्यादा। आपको सिर्फ और सिर्फ एक इंग्रेडिएंट का ध्यान रखना है जो आपके फेस वॉश में होना ही चाहिए, विच इज सैलिसिलिक एसिड। अगर आपको एक्ने और पिंपल्स होते हैं तो आप कोई भी ब्रांड का फेस वॉश यूज करो एज लॉन्ग एज उसमें सैलिसिलिक एसिड हो। अगर बहुत ज्यादा आपको होने लगी है दिक्कत तो आप यूज कर सकते हो सेबामेट का फेस वॉश या तो फिर सिटाफिल का क्लेंजर। बट इन केस आपकी स्किन मीडियम है, कभी कभी एक्ने आते जाते रहते हैं, उस तरह की सिचुएशन है, तो आप कोई भी नॉर्मल ब्रांड का भी यूज कर सकते हो एज लॉन्ग एज इट हैज आइदर टी ट्री ऑयल और सिनेमन इन इट। वन गुड ऑप्शन इज लोटस हर्बल्स का सिनेमन एंड टी ट्री ऑयल फेस वॉश। आई एम नॉट श्योर उसमें सैलिसिलिक एसिड है कि नहीं, बट जब भी मैंने उसको यूज करा है मेरे एक्ने बहुत जल्दी सप्रेस हो जाते हैं। सो मैंने उस पर एक डिटेल वीडियो भी लास्ट ईयर किया था, तो मैं कोशिश करूंगी मैं आपको लिंक दे दूंगी, नहीं तो आप उसको सर्च भी कर सकते हो। अनदर गुड ऑप्शन इज वाओ का एक्टिवेटेड चारकोल फेस वॉश। बट माई ऑल टाइम फेवरेट विच हैज ऑलवेज ऑलवेज वर्कड ऑन मी इज रेजू ग्लो फेस वॉश। इसको इंटरनेट पर ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल है, कई बार इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द टाइम ये आउट ऑफ स्टॉक ही रहता है बिकॉज इसकी बहुत डिमांड है और बहुत अच्छे रिव्यूज हैं। लेकिन आप इसको नोटिफाई मी सेक्शन में डाल सकते हो, फ्लिपकार्ट अमेजोन नायका हर जगह ये मिलता है। रेजू ग्लो में बेसिकली ग्लाइकोलिक एसिड और सैलिसिलिक एसिड दोनों हैं, तो इससे आपके एक्ने और पिंपल्स सप्रेस भी हो जाते हैं। 250 रुपए तक का आता है, बहुत महंगा भी नहीं आता। सो दैट वन इज ऑल्सो अ गुड ऑप्शन, आप आग बंद करके उसको खरीद। नंबर टू इज टोनर। आपने सुना होगा कि हर स्किन केयर रेजिम में टोनिंग करना बहुत जरूरी है, ये एक मैंडेटरी स्टेप है, सबको करना चाहिए, विच ऑब्वियसली इज करेक्ट। लेकिन इन केस आपको बहुत एक्सेसिवली ऑयली स्किन का प्रॉब्लम है या एक्ने और पिंपल्स आपको बहुत ज्यादा आते रहते हैं, देन ऑनेस्टली यू कैन समटाइम्स स्किप दिस स्टेप ऑल्सो। आपको रोज टोनिंग करने की जरूरत नहीं है, आप अल्टरनेट डे भी कर सकते हो या फिर हफ्ते में 2 से 3 बार भी कर सकते हो, दैट इज इनफ। आपको सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है कि जो भी आप टोनर यूज कर रहे हैं वो अल्कोहल फ्री होना चाहिए। दूसरी चीज, अगर उसमें ग्लाइकोलिक एसिड है तो बहुत ही बढ़िया बात है, आप अपने घर पे खुद DIY टोनर भी बना सकते हो, विच इज आप क्यूकम्बर को क्रश कर लीजिए, उसका जूस आप स्टोर कर सकते हो 5 से 6 दिन के लिए, फ्रिज में आराम से चल जाता है। अगर आपका बजट अलाउ करता है तो आप पिक्सी का टोनर उसमें इन्वेस्ट करो, वो बहुत ही अच्छा है। अभी फिलहाल इस वक्त मेरे पास नहीं है लेकिन मैंने उसको पिछले साल यूज करा था, तो आप पिक्सी का टोनर यूज कर सकते हो। लेकिन अगर उतना ऊंचा नहीं जाना चाह रहे हो तो जैसे मैंने कहा कोई भी बजट फ्रेंडली टोनर खरीद सकते हो एज लॉन्ग एज उसमें ग्लाइकोलिक एसिड है और वो अल्कोहल फ्री है, या फिर घर पे भी आप क्यूकम्बर को क्रश करके उसका DIY टोनर भी बना सकते हो। थर्ड इज स्क्रबिंग। नाउ आयरॉनिकली जिन लोगों को एक्ने और पिंपल्स होते हैं उनको स्क्रब सबसे कम करना चाहिए, लेकिन वही लोग सबसे ज्यादा स्क्रब करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि उससे उनके ब्लैकहेड्स और व्हाइटहेड्स चले जाएंगे। सबसे पहले तो प्लीज बी श्योर कि अगर आप मैनुअल स्क्रब यूज करते भी हो तो हफ्ते में एक बार से ज्यादा बिल्कुल यूज मत करो। प्रेफरेबली कोशिश करो केमिकल एक्सफोलिएशन करने की, लेकिन अगर आपको तसल्ली नहीं मिलती और आपको मैनुअल ही करना है तो हफ्ते में एक बार से ज्यादा मत करो। दैट टू जस्ट फोकस ऑन द एरियाज जहां पे आपको ब्लैक हेड व्हाइट हेड ज्यादा होते हैं, विच इज यूजुअली हमारा नोज एरिया हो गया या चिन एरिया हो गया। चीक्स को टच करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सो प्लीज स्क्रबिंग में जितना जेंटल और जितनी कम फ्रीक्वेंसी रख सकते हैं उतना ही रखें।
नंबर फोर्थ इज फेस मास्क. आपके लिए हर दिन फेस मास्क करना या हफ्ते में 3-3 बार फेस मास्क करने की कोई जरूरत नहीं है. क्वाइट ऑनेस्टली आप क्या करें कि अगर आपको एक रेडीमेड ऑप्शन चाहिए तो मामा अर्थ का C3 फेस मास्क काफी अच्छा है, आप वो ट्राई कर सकते हो. बट दैट इज ऑल्सो अगर आपको मीडियम लेवल के एक्ने हैं तो. लेकिन अगर ज्यादा है तो रेडीमेड ऑप्शन से आप थोड़ा सा दूर रहें. उसकी जगह आप नीम के पत्तों को घिस के लगा सकते हैं, आप टी ट्री एसेंशियल ऑयल यूज कर सकते हैं जिसको कि सिर्फ आप स्पॉट ट्रीट करिए. उसके अलावा अगर आपने पूरे फेस को पैक भी एज अ पैक भी लगाना है तो सबसे सेफेस्ट है बेसन कर्ड और उसमें थोड़ी सी टर्मरिक. ये आपको क्लेंजिंग इफेक्ट भी देगा, एक्सफोलिएशन इफेक्ट भी देगा, साथ में फेस मास्क वाला इफेक्ट भी देगा. अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप सिर्फ स्पॉट ट्रीट करना चाह रहे हो तो दो चीज़ें आंख बंद करके आपको हमेशा फायदा देंगी. वन इज टी ट्री ऑयल और दूसरा आप मुल्तानी मिट्टी में कर्ड मिलाइए. मुल्तानी मिट्टी और कर्ड का कॉम्बिनेशन अपने पिंपल्स पे लगाइए, 5 से 6 दिन लगातार कीजिए. आप सरप्राइज हो जाएंगे कितने अच्छे रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं. सो नाउ बेसिकली फेस मास्क इज अ काइंड ऑफ एडवांस स्किन केयर स्टेप. अगर आपको बहुत एक्ने और पिंपल होते हैं ना, यू कैन एक्चुअली स्किप दिस स्टेप. आपको हर हफ्ते करने की जरूरत नहीं है. जितना आपकी स्किन मांग रही है आप उतना ही करो. स्टेप नंबर 5 इज मॉइस्चराइजर. यहाँ पे कई लोग बहुत गलती करते हैं. सबसे पहले तो कई लोग मॉइस्चराइज नहीं करते थिंकिंग की स्किन तो ऑलरेडी ऑयली है. ये सबसे बड़ी गलती है. ऐसा नहीं है कि आपकी स्किन ऑयली है तो उसको मॉइस्चर की जरूरत नहीं है या वो मॉइस्चर डिजर्व नहीं करती. आपकी स्किन ऑयली भी है तो भी आपको मॉइस्चराइज दिन में 2 बार करना ही चाहिए. दूसरी चीज़ कि कई बार आप मॉइस्चराइजर खरीदते भी हो लेकिन प्रॉब्लम ये हो जाती है कि ऑयल कंट्रोल के नाम पे वो आपकी स्किन के सारे जो नेचुरल ऑयल्स हैं उसको भी खींच डालती है और स्किन को बिल्कुल ड्राई छोड़ देती है. ऐसा बिल्कुल ना करें. एक माइल्ड मॉइस्चराइजर में इन्वेस्ट करें जो नॉन कॉमेडोजेनिक होना चाहिए. दैट्स द प्राइमरी कंसिडरेशन यू हैव टू फॉलो कि वो नॉन कॉमेडोजेनिक हो और जहाँ तक कोशिश करें कि वो वाटर बेस्ड होना चाहिए. कुछ अच्छे ऑप्शंस मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए डाल देती हूँ और ताकि मैं उनके नाम गलत से प्रोनाउंस नहीं कर रही हूँ. इफ पॉसिबल उनके लिंक्स भी दे दूंगी. बट कुछ ऑन टॉप ऑफ माई हेड जो मुझे याद आ रहे हैं, नंबर 1 इज सेबामेड फेस क्लियर फेस जेल, समथिंग लाइक दैट. That's the full name, but Sebamed का face clear gel is really very helpful. दूसरा option है Cetaphil moisturizing lotion. ये भी skin type के हिसाब से आता है क्योंकि कई लोग जिनकी skin dry भी होती है उनको भी acne और pimples होते हैं. तो इसलिए आप dry वाले के लिए जो cream बनी है वो use करो और oily है तो oily के लिए use करो. तीसरा option है Requil का acne clarifying gel. That's also a very good option. चौथा ऑप्शन है एक्सेला. एक्सेला इज एन एक्सेलेंट क्रीम व्हेन इट कम्स टू मॉइस्चराइजिंग द एक्ने प्रोन स्किन. उसके अलावा रिसेंटली आई स्टार्टेड यूजिंग दिस वाइट लोटस मॉइस्चराइजर फ्रॉम सुगंधा. दिस इज ऑल्सो रियली गुड. आई एम प्लानिंग टू डू अ डिटेल्ड वीडियो ऑन दिस. पता नहीं इस वीडियो से पहले आएगा या बाद में, बट आप वो देख सकते हो. मुझे ये बहुत पसंद आया. ये एक्चुअली अगर आपकी स्किन मीडियम ऑयली है तो सेरम जैसा काम करेगा, लेकिन अगर एक्सेसिवली ऑयली है तो मॉइस्चराइजर का भी काम करेगा. तो ये बहुत अच्छा है. इसमें नियासिनमाइड और हाइलुरोनिक एसिड और ऑल दोज गुड थिंग्स आर ऑल्सो देयर. सो इस पे जो वीडियो है वो देख सकते हो आप जाके. दिस इज ऑल्सो गुड ऑप्शन. उसके अलावा एनी मॉइस्चराइजर दैट हैज टी ट्री इन इट विल ऑल्सो हेल्प. नाउ रीक्विल एक्ने क्लैरिफाइंग जेल इसलिए बहुत अच्छा है बिकॉज उसमें AHA और BHA दोनों का कॉम्बिनेशन है. ग्लाइकोलिक एसिड भी है, सैलिसिलिक एसिड भी है, तो आप उसको एक बार जरूर ट्राई कर सकते हो. नंबर 6 इज सन प्रोटेक्शन यानी SPF. अगर आपकी स्किन थोड़ी सी रफ एंड टफ है, नॉर्मल है, तो फिर आप कोई भी अच्छा सा सनस्क्रीन यूज कर सकते हो एज लॉन्ग एज इट इज नॉट ऑयल बेस्ड या फिर वो जो बिल्कुल नहीं फाउंडेशन वाली कंसिस्टेंसी के आते हैं वो नहीं यूज करने. बस आपको जेल बेस्ड वाटर बेस्ड सनस्क्रीन यूज करने हैं. मेडिकेटेड ऑप्शंस भी आप यूज कर सकते हो अगर आपको पिंपल्स वगैरह की प्रॉब्लम ज्यादा है तो. वन गुड ऑप्शन इज LA शील्ड. इसके बारे में मैं बात भी कर चुकी हूँ. SPF 40 होता है शायद इसमें. मैं पिक्चर इंसर्ट कर दूंगी बिकॉज अभी करंटली मेरे पास ये प्रोडक्ट नहीं है. मगर अगर आपको एक्ने पिंपल होती है ना तो ये वाली ऑप्शन आप डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो. नेक्स्ट अप लेट्स टॉक अबाउट द एक्ने ट्रीटमेंट. ऑब्वियसली अगर आपकी स्किन एक्ने और पिंपल प्रोन है तो आपको एक्ने पिंपल्स आते जाते होते ही होंगे. मेरे को यहाँ जॉ लाइन पे आते जाते रहते हैं अक्सर. तो इन दैट केस बी श्योर कि जो रेगुलर मॉइस्चराइजर आप लगा रहे हो पूरे स्किन पे उसको आपको वहां नहीं लगाना है. एक्ने और पिंपल को आपको अलग से ट्रीट करना है जिसके लिए आपके पास एक्ने क्लैरिफाइंग जेल होने चाहिए. कुछ अच्छे ऑप्शन यहाँ पे हो सकते हैं. नंबर 1 इज सेबामेड अगेन. नंबर 2 इज एक्ने यूवी जेल. नंबर 3 इज रीक्विल का एक्ने क्लैरिफाइंग जेल जो शायद मैं पहले भी बात कर चुकी हूँ. बट अपार्ट फ्रॉम दैट उनकी एक प्रॉपर पूरी किट आती है जो आई थिंक 1400 या 1500 की आती है विच इज कॉल्ड एक्ने क्लैरिफाइंग
ट्रीटमेंट किट और बंडल और समथिंग, जिसमें कि उनका अलग से आपको फेस वॉश मिल जाएगा, टोनर मिल जाएगा, उसके अलावा एक्ने ट्रीट करने की ट्यूब अलग आती है और पूरे फेस के लिए सनस्क्रीन अलग आती है। 4 से 5 प्रोडक्ट्स वो करीब आते हैं 1400-1500 की रेंज में, जिसमें कि ये सब कुछ कवर हो जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, दो ऑइंटमेंट्स जो मैं हमेशा रिकमेंड करती हूँ, आई स्टैंड बाय विद देम, वन इज एक्ने वॉर प्लस विद डैप्सोन एंड एडापिलिन। आप कोई भी दूसरा भी एक्ने जेल यूज कर रहे हो ना, तो लुक फॉर दिस इंग्रेडिएंट, उसमें एडापिलिन होना चाहिए, तो वो बहुत फायदा करेगा आपको। एंड द लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट एंड द वन दैट हैज ऑलवेज वर्क फॉर मी इज देयर बेंजोल पेरोक्साइड जेल IP, विच लुक्स लाइक दिस। बहुत महंगा नहीं आता, आई थिंक 75 या 80 रुपए का आता है ज्यादा से ज्यादा। इसमें परसेंटेज 2.5 होनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं, 2.5% होनी चाहिए। एंड द ट्यूब नेम इज बेंजोल पेरोक्साइड जेल IP। रियली वर्क्स, ऑलवेज वर्क्स। मैं करीब 12-15 साल तो मुझे हो ही गए, मेरे घर में हमेशा रहती है, जैसे ही एक्ने होता है मैं इसको लगा लेती हूँ एंड इट रिजॉल्व्स माय इश्यूज। नेक्स्ट अप इज सेरम्स। नाउ सेरम्स यूजुअली इज अ वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ एनी स्किन केयर रूटीन, बट एक्ने और पिंपल वाले बहुत हेजिटेंट होते हैं सेरम्स इंक्लूड करने में अपने रूटीन में, बिकॉज उनको डर रहता है कि ब्रेकआउट्स हो जाएंगे, एक्ने और पिंपल्स बढ़ जाएंगे, विच इज ट्रू ऑल्सो, एंड आई टेल यू द रीजन बिहाइंड इट। अगर आप नया सिनेमाइड से शुरू करते हो तो उसमें तो पर्जिंग डेफिनेटली 3 से 4 हफ्ते होती ही होती है। दूसरी चीज, विटामिन सी। लाइक कई लोग सोचते हैं फेस को ब्राइटन अप करने के लिए या दाग धब्बों को मिटाने के लिए विटामिन सी लेते हैं, लेकिन अगर आपकी एक्ने प्रोन स्किन है देन विटामिन सी माइट जस्ट रिएक्ट द अदर वे, तो आपको वो हेल्प करने की जगह और एक्ने पिंपल्स दे सकता है। इसीलिए द मिडिल ग्राउंड इज टू स्टार्ट विद एन एंटी ऑक्सीडेंट सीरम, सो आपको सीरम के बेनिफिट्स भी मिल जाए लेकिन आपकी स्किन पे पर्जिंग अगर या तो ऑलमोस्ट नहीं होगी या काफी कम और लिमिटेड टाइम के लिए होगी और फिर चली जाएगी। अ गुड ऑप्शन जो मैंने रिसेंटली स्टार्ट किया है यूज करना इज देयर सुगंधास एंटी ऑक्सीडेंट फेस सीरम। दिस हैज विटामिन सी बट वेरी स्टेबलाइज्ड फॉर्म ऑफ इट, 10% ओनली, एंड सेंटेला टर्मरिक अदर गुड स्टफ ऑल्सो। इसके बारे में भी डिटेल वीडियो करने का सोच रही हूँ मैं, सो लेट्स सी, मे बी इस वीडियो से आगे पीछे करूंगी उसको। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है फॉर बिगिनर्स टू स्टार्ट यूजिंग सीरम्स। नेक्स्ट अप इज मेकअप रिमूवर्स। मेकअप उतारना तो बहुत जरूरी है ही। नाउ इन दिस केस बहुत सारे मार्केट में मेकअप रिमूवर्स आते हैं, लेकिन मैं आपको अगर सिर्फ वो एक नाम दूं जिस पे आप आंख बंद करके रिलाय कर सकते हो, इवन इफ यू हैव सेंसिटिव स्किन, दैट इज गोइंग टू बी बायोडर्मा सेंसी बायो H2O माइसिलर क्लेंजर। दैट इज लाइक अमेजिंग। माइसिलर वाटर है, काफी लाइट वेट है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, लेकिन मेकअप कौन सा आप रोज लगाते हो, राइट? सो अगर आप ये वाला यूज करते हो तो इससे आपको एक्ने और पिंपल्स वगैरह भी नहीं होंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज गोइंग टू बी योर नाइट क्रीम्स। नाउ आपकी नाइट क्रीम किसी भी ब्रांड की हो रियली डज नॉट मैटर, एज लॉन्ग एज इट हैज 2 मेन इंग्रेडिएंट्स जो आपको देखने चाहिए। स्पेशली अगर आप एक एंटी एजिंग नाइट क्रीम में इन्वेस्ट करना चाहते हो, या फॉर दैट मैटर अगर आप 25-26 प्लस भी होना, ये 2 इंग्रेडिएंट्स का ध्यान रखो। सबसे पहले उसमें होना चाहिए रेटिनॉल, दूसरी चीज उसमें होना चाहिए हाइलुरोनिक एसिड। इससे आपको एंटी एजिंग बेनिफिट्स भी मिल रहे हैं, आपकी स्किन का टेक केयर भी बहुत अच्छे से हो जाएगा और आपके एक्ने और पिंपल्स को कोई नुकसान भी नहीं होगा। नाउ आई नीड नॉट से दिस बट आई स्टिल वुड गो अहेड एंड से दिस, जिस भी एरिया में आपको एक्ने और पिंपल है ना, वहां पे आपको सिर्फ एक्ने स्पेसिफिक जो जेल थे वो लगाने हैं, ना आपको वहां पे सेरम लगाना है, ना टोनर लगाना है और ना ही नाइट क्रीम लगानी है। सो फॉर रेस्ट ऑफ द फेस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, यू कैन डेफिनेटली गो फॉर सच क्रीम्स जिसमें हाइलुरोनिक एसिड हो और रेटिनॉल कॉम्प्लेक्स हो। नाउ अगर आप अभी भी कंफ्यूज है कि कौन से ब्रांड का खरीदें, तो आप न्यूट्रोजिना हाइड्रो बूस्ट कंसिडर कर सकते हो, वो बहुत अच्छा ऑप्शन होगा अगर आपकी स्किन बहुत ऑयली है तो। दूसरी चीज ये कि अगर आप, मैं आपको सिर्फ 2 ब्रांड रिकमेंडेशन दूं, तो रिक्विल एंड सेबामे, ये 2 ऐसे ब्रांड्स हैं जो कि स्किन के pH फ्रेंडली प्रोडक्ट्स बनाते हैं। लाइक हमारी स्किन का रेगुलर pH 5.5 होता है, सो दे मेक प्रोडक्ट्स अराउंड 5.5-6 के pH के रेंज में, सो विच इज वेरी सेफ फॉर यू टू यूज ऑन योर स्किन। सो गो फॉर दोज काइंड ऑफ क्रीम्स। ऑलराइट, सो अंटिल दिस पॉइंट वी टॉक्ड अबाउट द रूटीन, वी हैव ऑल्सो टॉक्ड अबाउट द प्रोडक्ट्स, बट बिफोर रैपिंग अप दिस वीडियो आई नीड टू गिव यू गाइज अ फ्यू जनरल टिप्स ऑल्सो विच आई थिंक विल हेल्प यू अ लॉट। नाउ दीज आर नॉट गोइंग टू बी द मोस्ट कॉमन बेसिक एंड टेक्स्ट बुक काइंड ऑफ टिप्स जो आपको ऑलरेडी पता है कि भाई पानी पियो, फ्रूट्स खाओ, अच्छी नींद लो, स्ट्रेस मत लो, वो सब चीज़ें आई एम अज्यूमिंग आपको पता होंगी। 3 चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। सबसे पहले, लीव अबाउट ऑल दीज प्रोडक्ट्स। आप कुछ भी प्रोडक्ट खरीदते हो, चाहे आपका सनस्क्रीन है, टोनर है, क्लेंजर है, फेस क्रीम है, मॉइस्चराइजर, कुछ भी है, लुक फॉर थ्री कंसिडरेशंस। सबसे पहले, शुड बी नॉन कॉमेडोजेनिक, दैट कैन नॉट बी कॉम्प्रोमाइज एट ऑल। दूसरा, सेंटेड नहीं होना चाहिए वो। सेंट जितनी भी चीज़ों से आप फ्रेग्रेंस हटा सकते हो, इट्स गोइंग टू मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस।
तीसरी चीज, इन प्रोडक्ट्स में सैलिसिलिक एसिड होना चाहिए या तो फिर बेंजोल पेरोक्साइड होना चाहिए। इन दोनों में से अगर एक भी इंग्रेडिएंट है तो फिर आपकी स्किन का काफी अच्छे से टेक केयर हो जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, आप एक एडिशनल स्टेप कर सकते हो जो मैंने भी रिसेंटली करना स्टार्ट किया है, इंस्टेड ऑफ यूजिंग फेस टॉवल्स, बिकॉज मुझे लगता है कि उसमें भी जल्दी बैक्टीरिया इकट्ठा होता है, यू कैन स्विच टू एक्चुअली यूजिंग पेपर टॉवल्स। नाउ ये एक्चुअली किचन रोल्स जो आते हैं ना, ये वो है मैंने, बट ये काफ़ी पॉकेट फ्रेंडली पड़ते हैं, बिकॉज मैंने जो पूरा रोल था, ये ऐसे चार रोल्स थे इस पैकेट में, 260 या 240 का आया था, जिसमें 240 ही शीट्स हैं, तो बेसिकली एक रुपए का एक टिशू आपको पड़ता है। तो ये एक रेगुलर टिशू से थोड़ा थिक होता है, तो अब मैं फेस वॉश करने के बाद इससे फेस पोंछती हूँ, तो ये ना इट जस्ट साउंड्स दैट एक्सपेंसिव, बट यू नो अगर दिन का आप दो बार भी फेस वॉश कर रहे हो तो पूरे साल का आपको सिर्फ 700 रुपए पड़ता है, विच इज़ नॉट मच। सो यू कैन स्टार्ट स्विचिंग टू पेपर टॉवल्स ऑल्सो, जस्ट एज दैट एडवांस्ड स्किन केयर स्टेप। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज टू प्लीज इम्प्रूव और चेंज योर लाइफ स्टाइल हैबिट्स, जस्ट इन केस अगर आपको एल्कोहल और स्मोकिंग की आदत है तो फिर आपके लिए ये प्रॉब्लम टैकल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज इस तरीके की हैबिट से आपकी बॉडी में फ्री रेडिकल्स का प्रोडक्शन बढ़ जाता है, विच मीन्स अगर आप टॉपिकली कुछ भी लगा रहे हैं वो हेल्प नहीं करेगा, क्योंकि बॉडी अंदर से ही इतने ज़्यादा फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस करती है, तो इसलिए एल्कोहल एंड स्मोकिंग इज अ स्ट्रिक्ट नो नो। Alright guys, so with that we have come to the end of this video. I really hope that this video was useful to you. जितने भी products के बारे में मैंने बात करी है उनके links और बाकी जानकारी मैं नीचे description में डाल दूंगी for your convenience. I hope ये video आपको अच्छा लगा हो, अगर लगा तो please video को like करें, अगर channel पे नए हैं तो please subscribe करें. I'm gonna meet you guys very soon in my next video. Till then take care of yourselves. I love you all and stay beautiful.